हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आज यह वीडियो आपको किसी जानकारी विशेष के लिए नहीं है, एक अवेयरनेस वीडियो है दोस्तों। अवेयरनेस वीडियो इसलिए है कि जिस तथ्य पर हम बात करना चाहते हैं, जिस जानकारी पर हम बात करना चाहते हैं, वो हम सब लोगों को मालूम है, वो हम सब लोगों को मालूम है और लगभग उसका हम पालन भी करते हैं। फिर भी दोस्तों अवेयरनेस इसमें ज़रूरी है। अवेयरनेस का अर्थ यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर मैं मुद्दे पर आऊँ सीधे, तो दोस्तों ये पेड़ हमारा बम्बू ट्री देख रहे होंगे आप, इसमें ढेर सारी पत्तियाँ आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, ढेर सारी पत्तियाँ आपको सूखती हुई नज़र आएंगी, ड्राई लीव्स नज़र आएंगी। और ये बड़े पौधे में दोस्तों, और एक छोटा पौधा जो बहुत कम कह सकते हैं कि इसकी नीड्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, इन टर्म्स ऑफ सनलाइट, वाट एवर भी, ये भी देख रहे हैं सूख रही होंगी, ये भी सूख रही हैं। दो अपोजिट पौधे, अपोजिट का मतलब एक बहुत मजबूत, एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, उस संदर्भ में दोनों एक कॉमन सिम्टम्स हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग सर्दियों में अक्सर ये बोलते हैं, कहते हैं कि हमें सर्दियों में पानी बहुत कम देना चाहिए पौधों को, सर्दियों में पानी बहुत कम देना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये कम शब्द ही हमें प्रेरित किया कि हम आपको अवेयर करें। दोस्तों ये हमारा पौधा है जो कि लगभग काफ़ी, इसकी पत्तियां कह सकते हैं 40% पत्तियां, नहीं तो 35% पत्तियां 30% सूख चुकी हैं दोस्तों, और सूखती बढ़ रही थी दोस्तों। हमने ये पाया दोस्तों, ये जो कम देना चाहिए पानी सर्दियों में के भाव को हम यूँ लिए कि पानी देना ही नहीं चाहिए, पानी देना ही नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों, पानी देना चाहिए। हमारा जो किसी भी पौधे को फार्मूला है पानी देने का, वही है जो पहले था गर्मी में, जो पहले था बसंत के मौसम में, वही आज भी है दोस्तों। अर्थात हम पौधे की मिट्टी को चेक करें, अगर वो काफ़ी सूख रही है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच सूख गई है, तो हमें पानी देना ही होगा दोस्तों। ये मिस्टेक हमने इस पौधे में भी की, टर्टल वाइन में, और इसमें भी की, इस भावना से कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नतीजा क्या हुआ, इसकी ग्रीनरी गायब होने लगी। दोस्तों पानी जब पौधों में नहीं रहेगा रिक्वायरमेंट का, तो वो कोई भी प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सर्दियों में उनका जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का हो, चाहे मिनरल्स का इनटेक हो मिट्टी से, चाहे वो फर्टिलाइजर का इनटेक हो, वो काफ़ी स्लो हो जाता है। ऐसे में पौधे हमारी डिमांड ही कम करते हैं। यानी ये बांस का पौधा अगर गर्मियों में, अगर ये गर्मियों में रोज़ाना पानी लेता है हरी भरे रहने के लिए, तो सर्दियों में हमसे तीसरे दिन मांगता है। अगर हम वो तीसरे दिन भी पानी नहीं देते हैं इस फीलिंग के साथ कि नहीं ये तो सर्दी है, इसको कहाँ पानी की ज़रूरत है, ये तो पानी लेता नहीं, तो यही होगा इस पौधे में, किसी भी पौधे में, वो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो दोस्तों, जो मैं भी आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अर्थात हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा दोस्तों कि पौधों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल रहा है। ये पौधा तो छोटा है, मुझको लगता है मैंने महीनों से पानी नहीं दिया, अभी जब मैंने देखा ये तो काफ़ी हो डल हो रहा है, जब पन में चूँकि इसकी मिट्टी दिखाई नहीं देती इतना घना, तो मैंने सोचा कि ये तो गलत है। फिर मैंने इसका जब मिट्टी चेक की नीचे से, तो काफ़ी एकदम ड्राई, एकदम हार्ड हो चुकी थी। फिर मैंने पानी डाला, फिर आप देख रहे होंगे कुछ हरियाली शुरू हुई, यानी ये पौधा मरा नहीं था। इस तरह दोस्तों ये वीडियो अवेयर करता है इस बात के कि सर्दियों में भी हमें पानी का फॉर्मूला जो देने का, वही है वाटर रिक्वायरमेंट। ये पौधा तय करता है कि उसको है कि नहीं है, हम नहीं तय कर सकते मौसम के हिसाब से। अगर पौधे की ज़रूरत नहीं होगी तो उसकी मिट्टियाँ वैसे भी 2-3 इंच आप खुदाई करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सूखी नहीं मिलेंगी दोस्तों। अगर सूखी मिलती हैं, इसका मतलब हमें पानी देना चाहिए, ताकि उसका जो स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इस दौरान सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में, वो कंडक्ट होता रहे। हम उसको अगर रोकेंगे तो पौधा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, सर्दियों में भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इस बात में अवेयर करने में सक्षम होगा कि हमें वाटर मैनेजमेंट मौसम के हिसाब से तो देखना चाहिए, लेकिन पौधे क्या कह रहे हैं वो हमें
मोर फोकस होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो मौसम के हिसाब से पौधे कम पानी मांगेंगे तो हम कम देंगे, लेकिन ना दे पानी इस फीलिंग के साथ ये तो सर्दी का महीना है इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इस चीज़ को आप अपने गार्डनिंग में यूज करेंगे और कम से कम वीकली बेसिस पे, क्योंकि आपके गार्डन में जो पौधे लगे होंगे वो अलग अलग साइज़ के होंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट के होंगे, वो सबका एक पैटर्न नहीं है बायोलॉजिकल। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान दीजिए, आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर चेक करिए, अगर 2-3 इंच मिट्टी सूख गई है तो हमें उस पौधों को पानी सप्लीमेंट कर देना चाहिए। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम गुनगुना कर लें या धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए, अगर धूप का है नहीं तो हल्का गुनगुना कर लें तब पौधों, क्योंकि जड़ों को अकड़ने का संभावना बन सकती है दोस्तों। मैंने हमेशा बताया कि गमले में अगर पौधा हमारा लगा है तो वही उसका संसार हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बरगद है, ये बांस है, ये नीम है, ये आम का पेड़ है तो ये बहुत मजबूत होगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। वो तब होगा जब वो ज़मीन में लगा होगा, हमने गमले में लगा दिया उसकी दुनिया बदल गई दोस्तों, तो हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।